हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज़रीन रेसिपी वर्ल्ड। सो आपने देख ही लिया हम क्या बनाएंगे। हम बनाएंगे विंटर स्पेशल जो है अखरोट का हलवा। हाँ मुझे पता है मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, बट क्या करें, ये पोस्ट अभी फिलहाल ठंडी तो चल रही है। अगर आपकी यहाँ ठंडी अभी भी स्टार्ट हुई है तो बेस्ट ऑप्शन है, आप ज़रूर बनाएं और खाएं, क्योंकि आपको बॉडी को गर्म रखेगा। तो मेरे पास था यहाँ पे अखरोट, और अखरोट मैंने लिया है 350 ग्राम्स, यानी कि पाव किलो से ज़्यादा। और फिर उसे मैंने मिक्सी में कर लिया था ग्राइंड, और थोड़े थोड़े अखे रह गए थे तो थोड़े थोड़े से कूट लिया है, क्रश कर लिया है हाथ से, बिकॉज मिक्सी में जो है एकदम से फिर पाउडर फॉर्म हो जाएगा और फिर आपको वो हलवा जो है वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो थोड़ा सा आपको कोर्सली ग्राइंड अखरोट चाहिए। तो ये देखिए बस ये मेरा रेडी है, मिक्सी में किया आधा हाथ से किया, तो इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया। अब जो एक्चुअली है ना, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है तो मैं एकदम से फास्ट तो बोल नहीं सकती, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है देसी घी, और ये है शुद्ध गाय का देसी घी। इसमें बहुत अच्छा बनेगा आपका हलवा। तो यहाँ पे जो हमारा अखरोट था, बस अभी इसे डाल देंगे, घी जैसे कि गर्म हो गया है, और इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ कोर्सली ग्राइंड अखरोट। सो ये सारे वॉलनट्स जो है हमने डाल दिए हैं, और अभी मैं इसे रोस्ट करूँगी, मीन्स इसे घी में थोड़ी देर सेकूँगी, क्योंकि इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो थोड़ी निकल जाए और बस अच्छे से हल्का सा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए, जब तक कि मैं इसे भूनूंगी। सो देखिए यहाँ पे ये मैं भून रही हूँ और 10 मिनट हो भी गए हैं, लेकिन ये है ना रॉ स्मेल्स की निकल नहीं रही है। अब एक साइड पे मैंने दूध भी रख दिया है 1/2 लीटर, और वो फुल फैट मिल्क है, बस उसे गर्म भी मैंने करने रख दिया है। और इसके बाद में जैसे ही हमारा हलवे का सारा प्रोसीजर हो जाएगा स्टार्ट आगे का, तब हम इसके अंदर मिल्क भी डालेंगे। बट अभी इसे जो है रॉ स्मेल निकलने तक थोड़ा मैं इसे भूनूंगी, और करीबन मैं इसे 5 से 10 मिनट अभी और इसे अच्छे से रोस्ट करूँगी। अब ये एक्चुअली बहुत मज़े का बना था ये हलवा। अगर आपने नहीं बनाया है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग बनाएं। 250 ग्राम भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो ये 350 ग्राम लिया था, इसमें मिल्क पड़ेगा, अभी शुगर पड़ेगी, और आगे देखते जाइए और इसमें क्या क्या पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, इसमें हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन होने लग गया है और ये अच्छे से रेडी हो रहा है अभी, बट इसमें हल्की सी जो है ना रॉ स्मेल मुझे लग रही है, तो बस वो निकलने तक के मैं इसे भूनूंगी। बस अभी ये रेडी है परफेक्टली, अभी इसके अंदर जाएगा मिल्क, और आपको तैयारी करनी है मिल्क डालने के लिए। तो क्या तैयारी करनी है, जो लिड है ना आपको रेडी रखना है, मिल्क डालने के बाद ये तुरंत जो है बहुत फटाफट से उड़ने लगता है। तो बस अभी इसके अंदर लिड डालेंगे हम, फटाफट से कवर कर देंगे। देखिए ये बहुत उड़ना स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, तो इसे आप ध्यान रखिए, एकदम संभाल के आप इसमें मिल्क ऐड करिए, क्योंकि ये एकदम गर्म होता है, तो मिल्क अगर आपका थोड़ा ठंडा है तो ज़्यादा अच्छा है, बट मेरा यहाँ पर गर्म था तो मैंने बस इसमें गर्म गर्म ऐड कर दिया है देखिए। और अभी ये बहुत ही पतला है, लेकिन ये पतला नहीं होगा, अभी ये कुक होगा, तो कुक होने के बाद ये थिक हो जाएगा। तो जैसे कि अभी मिल्क हमारा गर्म है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ खोया, और खोया करीबन डालूँगी मैं 100 ग्राम्स, क्योंकि इससे जो है ना बहुत ही अच्छा रिच एक फ्लेवर आ जाता है आपका, खोया डालने के बाद में एक रिचनेस आ जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बस अभी ये मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर, गर्म दूध में डाला है, तो अभी इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसे कवर करके ही आपको कुक करना है।
सो देखिए अभी ये उड़ना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अभी ये बहुत ज़ोर ज़ोर से उड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है, कवर करना है। मैं जैसे कह रही थी आपको, ज़ोर ज़ोर से ये उड़ेगा, तो देख सकते हैं बबल्स आना जो है स्टार्ट हो गए इसमें। और जब ये बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना भी, बट आपको ध्यान रखना है, बीच बीच में आपको चलाते रहना है, क्योंकि कंटिन्यू तो आप नहीं चला सकते क्योंकि ये बहुत उड़ेगा, तो आपको कवर करके इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि नीचे जो है आपका हलवा स्टिक ना हो जाए। सो देखिए बस अभी ये अच्छे से मैंने इसे मिला दिया है, और ये काफ़ी पतला है, अभी ये थिक होगा। और ये देखिए यहाँ पे जैसे कि स्टार्ट हो गया है बबल्स आना, तो बस मैं यही आपको बोल रही थी, ये बबल्स आना जो स्टार्ट हो गए हैं ना, बस अभी ये उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो कवर आपको कर देना है आधा, और आधा खुला रखना है। और इसमें जो है शुगर मैंने अभी तक क्यों नहीं डाली है, क्योंकि शुगर का भी जो है पानी उड़ता है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत उड़ रहा है एक्चुअली। तो आपको ध्यान रखना है अपने हाथों का भी, कि आपके हाथ पे ना ये उड़े, क्योंकि ये बहुत केयरफुली इसे बनाना पड़ेगा, वरना हाथ जल जाएंगे आपके, या आपके हाथ पे उड़ेगा तो। तो बस अभी देखिए मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ, बार बार कवर करती हूँ, फिर वापस ओपन करती हूँ, फिर वापस मिक्स कर रही हूँ, इसे थिक होने तक थोड़ा हमें कुक करना है। तो देखिए अभी यहाँ पे ये थिक होना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने इसके अंदर डाला है शुगर, और शुगर मैं डालूंगी 1 कप। और अगर आपको एकदम परफेक्टली मीठा चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर आप 1.5 कप डालिए, बट यहाँ पे मैंने डाला है 1 कप ऑफ शुगर, दिस इज़ इनफ फॉर मी। सो बस मैं यहाँ पे 1 कप शुगर ऐड करूँगी। और ये देखिए अभी ये जैसे थिक था, तो शुगर ऐड किया ना, शुगर ऐड करने के बाद भी ये फिर बाद में वापस से पतला हो जाएगा, क्योंकि शुगर का जो पानी होता है वो शुगर छोड़ेगी, तो इसके लिए आपको कवर करके ही कुक करना है। और बीच बीच में आपको स्टर करते रहना है, वरना आपका जो ये अखरोट है नीचे स्टिक हो जाएगा। इस मोमेंट पे ना आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप शक्कर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने फिर से इसे कवर कर दिया है और मैं कुक कर रही हूँ अभी। यहाँ देखिए ये हमारा अखरोट का हलवा जो था ना, वो परफेक्टली रेडी हो रहा है। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन, और कलर भी बहुत बढ़िया आया है। और ये देखिए इसका जो थिकनेस था, मतलब गाढ़ापन है, बस ये परफेक्ट है, तो ये रेडी है और अभी इसे सर्व करते हैं। तो देखिए मेरा अखरोट का हलवा जो है सीजनल फेवरेट रेडी हो गया है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अभी एक महीने तक अखरोट का हलवा जो है ख़राब नहीं होगा, अगर आप इसे फ्रीज़र में रख देंगे, और जब चाहे जब आप निकालें उसे माइक्रोवेव में गर्म करें और खाएं, इंजॉय करें विथ 1 कप ऑफ मिल्क, आप इसे ज़रूर इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। विंटर की जो ठंडी ठंडी नाइट होती है उसमें अखरोट का हलवा बहुत ही मज़े का लगता है। तो ज़रूर मेरी रेसिपी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।